हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक जॉब पोर्टल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी कैंटीन भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आर्मी कैंटीन के पदों पर 2021 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 10वीं पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही कि आर्मी कैंटीन के डिपार्टमेंट से 2021 की सीधी भर्तियां आ चुकी हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहां पर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना होगा, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, ताकि सरकारी वैकेंसी संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। सो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्मी कैंटीन भर्ती 2021 के बारे में, जहाँ पर आर्मी कैंटीन के पदों पर 2021 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहां पर इस वैकेंसी के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए ऑनिशन नेम के बारे में, तो यहाँ पर आर्मी कैंटीन के डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी उन्हें जारी है। जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकंड, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, हाईली स्किल्ड ट्रेड्समैन, मेट कुक, वॉशरमैन एवं और भी विभिन्न सारे पदों पर भर्ती होने जा रही है। जहाँ पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर लगभग 500 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल, यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 38 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर एसिस्टेंट के लिए 5 वर्ष की तथा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन राइटन एग्जाम, फिजिकल एफेंसिव टेस्ट, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 30,400 रुपये पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल,
यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 9 अगस्त 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको 9 अगस्त 2021 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स काफ़ी जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।